नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज, RGHS कार्ड धारकों के लिए राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जो कि अभी अभी जारी हुआ है। तो इस समय की क्या अपडेट है, RGHS कार्ड धारकों के लिए क्या आदेश जारी हुआ है वित्त विभाग राजस्थान सरकार की ओर से, इस वीडियो के तहत आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल के साथ अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभाग या आदेश के अलावा रिजल्ट्स, आंसर की, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार, ये सभी अपडेट रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ यह वीडियो। साथियों, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आज की डेट है, जैसा कि आपको वीडियो की स्क्रीन में दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 14 सितंबर 2023 राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। क्या आदेश है RGHS कार्ड धारकों के लिए, जान लेते हैं वीडियो के तहत। विषय में देख सकते हैं दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त, परंतु दिनांक 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने के संबंध में, यानी जो 1 जनवरी 2004 उसके बाद नियुक्ति हुए हैं लेकिन 31 मार्च 2022 तक वो सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक, उनके लिए राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना जो RGHS कार्ड योजना है, इसके तहत जो चिकित्सा सुविधा दी जाएगी उसके संबंध में क्या आदेश जारी हुआ है, जान लेते हैं पूरी अपडेट वीडियो के तहत। यहाँ पर ये जो ऊपर ऑर्डर है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहे तो आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वित्त नियम विभाग की अधिसूचना दिनांक 19 मई 2022 में NPS खाताधारकों को प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि ऑल द अमाउंट शैल बी डिपॉजिट इन द जनरल रेवेन्यू इन हेड ऑफ स्टेट एंड द अमाउंट रिलेटेड टू द इंडिविजुअल NPS सब्सक्राइबर शैल बी रिटर्न्ड इन लंप सम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द NPS सब्सक्राइबर और टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ NPS सब्सक्राइबर एज पर प्रिवेलिंग रेट ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड अथवा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सब्सक्रिप्शन ऑफ हिज हर सर्विस पीरियड। तो ये तो इंग्लिश में ऑर्डर है, आप नीचे देख सकते हैं इसका जो है हिंदी ट्रांसलेटर में, दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त, परंतु दिनांक 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत जो सुविधाएं दी गई वो इस प्रकार से रहेगी। अब सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हैं, यानी जिनकी सेवा अवधि सेवानिवृत्त होने के बाद में 10 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं, वह अपने अंतिम कार्यालय से, जो उनका अंतिम कार्यालय रहा उससे प्रमाणीकरण के उपरांत उनके सेवा काल में उनके वेतन के अनुसार निर्धारित RPMF अथवा RGHS की कटौती RGHS के बजट मद 8342001206 में जमा करवाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें RGHS कार्ड जारी किया जा सकेगा एवं उक्त सेवानिवृत्त कार्मिक राज्य सरकार के अन्य सेवानिवृत्त कार्मिकों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा का लाभ वो प्राप्त कर सकेंगे। देख सकते हैं ये जिनकी सेवा अवधि रिटायरमेंट की 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनको अपने अंतिम कार्यालय से इस प्रकार से आगे का जो है लाभ मिल सकेगा इस RGHS योजना के तहत। अगली अपडेट क्या है इससे संबंधित, सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है, यानी जिनकी 10 वर्ष से कम है और एवं उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं है, इस श्रेणी के कार्मिकों को RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के क्रम में उनके द्वारा बोर्ड अथवा निगम के पेंशनरों को की भांति अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरांत निर्धारित अंशदान रुपये 10,500 प्रति की 10 वर्ष की राशि जो कि रुपये 1,05,000 एक मुफ्त जमा कराए जाने पर बोर्ड अथवा निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति 10,00,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार IPD तथा 20,000 प्रति रुपये तक की OPD ध्यान दें तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता OPD की सीमा में प्रावधान अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
तो यह आज की बड़ी अपडेट RGHS कार्ड धारकों के लिए, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र 10 वर्ष से कम है उनके लिए किस प्रकार से रहेगा आगे की, ये इसमें किस प्रकार से लाभ मिल सकेगा, और जिनकी 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनको किस प्रकार से RGHS इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। तो इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान सरकार वित्त विभाग की ओर से RGHS कार्ड धारकों के लिए। तो यही अपडेट थी इस वीडियो के तहत। उम्मीद है साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के विभागीय आदेश के लिए। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी सेहत अपडेट मिल सकें। इसके अलावा सभी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज और विभागीय आदेश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।